लुधियाना के पुलिस कमिश्नर द्वारा बढ़ती ट्रैफिक समस्या को हल करने के लिए सड़कों पर लगी रेड़ी फड़ी वालों को हटा दिया गया था। रेड़ी फड़ी वालों द्वारा आज डीसी दफ्तर के आगे धरना दिया गया और लुधियाना के डीसी को एक मांग पत्र भी सौंपा गया। ये गरीब परिवार ना तो इन्ना बड़ा धक्का हो रहा है पुलिस प्रशासन वालों कि इन्हों जे मतलब गरीब परिवार जी रहा है तो इन्हों मतलब बिल्कुल जमा ही रोड तो भजाया जा रहा वा, बिल्कुल खत्म कर रहे हैं कि ये रोड पर लाने ही ना रेड़ियाँ फड़ियाँ। ये कितने जाने दसो, जे एक एक परिवार अपना चार बच्चे पाल रहे हैं, चार परिवार पांच मेंबर ने एक परिवार के, जे इन्हों इन्ना धक्का होएगा कितने जाएंगे, इन्होंने मरण वाला हाल हो जाएगा। इस करके असं पुलिस प्रशासन को बेनती करते हैं कि जब तक इन्हों अपना अपने मेयर साहब इन्हों कोई जगह मुहैया नहीं कराते तद तक इन्होंने पिछे करके ट्रैफिक में जो विघन ना आए तो इन्होंने लाने की इजाजत दी जाए। ज़्यादा मुश्किल आती जी, जो आते हैं सोटियाँ लेकर चक्के मारते हैं, ले रेड़ी वाले पचते हैं, सौदा डिगता, सुधा नुकसान होता, बाल बच्चे किस तरह जी हैं। क्या मांग है सरकार से, क्या मांग है? सरकार हम लोग को जगह दे या पीछे खड़े कर दें, पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने ट्रैफिक जाम है वहाँ पर नहीं लगाना, थोड़ा पीछे करके कहाँ करके लगवा दें।